धागा लगा तो मैं चलाया जा रहा था, फिर देखो पूरा इस तरह से हो जाता आपके साथ, देखो धागा फंस गया ना पूरा। आज हम फिर से सिलाई मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं सिलाई मशीन, मेरी सिलाई मशीन, इसके बारे में बात करते हैं। खोल लेते हैं पहले मशीन को। कंडक्टर है, एक्सीलेटर है, ये बोबिन्स है, और ये आपकी मशीन है। अभी मशीन का जो चार्जर के लीडे, सबसे पहले बताऊंगा इसको कहाँ लगाना है। यहाँ पे दिया गया है ये अडेप्टर डीसी 6 वोल्ट 800 mAh, तो यहाँ पे हमने इसको एंटर कर देना। अभी यहाँ पे हमने एंटर कर दिया, ये इसका एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर है, ये एक्सीलेटर की पिन को जो है हमने इस जगह पे एंटर कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही हम मशीन को ये एक्सीलेट करेंगे, ये बटन को ऑन करेंगे, एक्सीलेट करेंगे, तो मशीन हमारी चलना शुरू कर देगी। तो इस समय मशीन हमारी पूरे एंगल के अंदर आई, ये देख सकते हैं आप। ये जैसे हम इसके एक्सीलेटर को लेंगे और ये हमने ये पकड़ा, तो ये मशीन ये चलना शुरू कर रही है, ठीक है। तो जैसे कि काफ़ी सारे लोग कमेंट करके बोलते कि भैया हमारा ये धागा ऊपर फंस के नहीं आ रहा है, देखो क्यों नहीं आएगा भाई धागा आपका फंस के ऊपर। ये कभी कभार अगर ऐसे फंस जाती है तो आप इसको ऐसे घुमा के कर सकते हैं सीधा। देखो ये फंदा लग के आ रहा है, नहीं आ रहा हर बार तार हमारा, धागे में हमारा फंदा लग के आ रहा है। आप इसको थोड़ा सा टाइट कर सकते हो, क्योंकि इसमें से जो धागा जाता है ना, इसमें से जाना चाहिए धागा ही निकल के, ये इसके अंदर से, ये यहाँ पर आप देखिए इसमें से धागा जाना चाहिए ऐसे, ठीक है। इसको आप टाइट कर दीजिए ऐसे, और जब धागा इसमें से जाएगा तो मशीन आपकी चलेगी। फंदा लग के आ रहा है, नहीं आ रही, ये फंदा लग के आ रहा है, देखो ये फंदा लग के आ रहा है। इसी तरह से क्या होगा कि फंदा लग के आएगा बार बार धागा आपका जो अभी आएगा, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं है। अब धागा, अच्छा कोई लोग पूछते कि इसकी बॉबिन कैसे लगाएं, तो भैया सबसे पहले तो इसकी सुई को ऊपर उठा लीजिए, सुई को आप उठा लीजिए ऊपर ऐसे, ये सुई ऊपर उठ जाएगी। उसके बाद में आपको ये खोल लेना ऐसे, ये खोल के बाहर निकाल लीजिए, और ये बोबिन ऐसे निकाल लीजिए बाहर। ये बोबिन आपके हाथ में आ गई, इसका धागा थोड़ा ये बोबिन पे ऐसे लिया, और ये देखिए ये रही बोबिन। ये सिर्फ बोबिन लगाने के लिए मेन बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में आपको, ये इसमें गई बोबिन ऐसे, और ये धागा यहाँ से बाहर आएगा, ये धागा यहाँ से बोबिन वाला धागा बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर क्या करना है आपने, फिर ये इसका केस जो है, केस इस पर ऐसा कैसी लगा देना है, ठीक है, ये इस तरह से लगा देना है। तो इसका जब मशीन चलाओगे आप, इस तरह से आपका जो धागा है वो आ जाएगा। ये देखो यहाँ से धागा हमने डाला था, यहाँ से हमने धागा डाला था ये, और ये देखो धागा वहाँ फंस के आया है, ये फंस के ये आ गया बोबिन का धागा यहाँ पे आ गया। देखो ये बोबिन वाला धागा ही है, ये बोबिन का धागा आ गया यहाँ पे, ये आ गया सिंपल ही। इतना इसमें इतना सिंपल है ये, आराम से ये धागा बोबिन वाला देखो ये आ गया धागा। अब जब दोनों धागे एक साथ चलेंगे तो क्या भाई, जैसी सिलाई होगी, ये देखो फंदा लग के आया, ये आया ना फंदा लग के, इसी तरह से हर बार फंदा लग के आएगा आपका। बस ये प्लास्टिक की करारियां होती है ना, इसमें कई बार इसलिए फंस जाती है। इस तरह से आप जो चलाओगे ना तो आपके हाथ साथ भी ऐसा हो सकता है, ये मशीन जो है ये नीचे जाए और ये फंस जाए, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बोबिन इसमें किस तरह से लगाई जाती है। जैसे मेरे को कई बार पूछा वीडियो में कि बोबिन किस तरह से लगाई जाती है, इसका धागा यहाँ से बाहर आता है, बोबिन अंदर डालनी है आपको। इस देखो धागा, धागा लगाने के लिए इसमें ये देखो बोबिन के अंदर ही धागा भरना है। इसमें ये बोबिन है, बोबिन के इसके अंदर मैंने धागा भर लिया, ठीक है। पहले सबसे पहले जो धागा डालेगा हमारा इसमें डालेगा, इस चैम्बर में आप देख सकते हैं इसमें डालेगा धागा। उसके बाद क्या है, ये जो होता है ना, ये
ये धागे को टाइट और लूज करने के लिए होता है। अब इसमें भी क्या है ना, इसमें धागा ना गांठी नहीं मारनी ऐसे, आप लोग क्या करते हैं गांठी मार देते हैं इसमें, ऐसे गांठी नहीं होती इसके अंदर, खाली धागा ये ऐसे डलता है, ए ए देखो ए धागा बाहर निकल गया और ये इसके अंदर ऐसे डल गया, ठीक है। फिर ये धागा इसमें डालना है आगे, इसमें से डाल के आपको सड़ इसमें डालना है, यहाँ से धागा सीधा ऊपर चला जाएगा आपके, मैं कैमरा एंगल सही कर देता हूँ, इसमें इसमें चला जाएगा धागा, ठीक है। इसमें से होता हुआ फिर इसमें आएगा यहाँ पे, यहाँ से जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें से धागा जाएगा इसमें निडल के अंदर, यहाँ से निडल में जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, इससे पहली वीडियो में मैं बोबिन के बारे में बता चुका हूँ, बोबिन किस तरह लगानी, बोबिन बड़ी सिंपल होती है, लोग सोचते हैं इसमें भी किट की आवाज़ आएगी, पर किट की आवाज़ इसमें कोई नहीं आती, इस तरह से इसके अंदर धागा डाला जाता है इस मशीन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे इसकी मशीन के अंदर यहाँ पे लाइट होती है, ये देखो ये छोटी सी लाइट, यहाँ पे बटन दबाओगे वाला तो लाइट जल जाएगी, और इसे जब चलाओगे तो परमानेंट मशीन चलती रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसे अगर इसे दबाओगे तो मशीन, चलो मेरा धागा फंस गया फिलहाल तो मशीन के अंदर, क्योंकि धागा डला हुआ था और मैं चलाया जा रहा था, ये देखो पूरा इस तरह से हो जाता है आपके साथ, ये देखो धागा फंस गया ना पूरा, बस इस तरह से धागा नहीं फंसना चाहिए मशीन में, अगर इस तरह धागा फंस गया तो मशीन को तुरंत बंद कर दो, पहले धागा पूरा निकालो अंदर जहाँ भी फंसा है, क्योंकि अगर ये धागा गरारी में अंदर चला गया मशीन की तो सारी गरारियाँ इसकी प्लास्टिक के अंदर होती है वो सब टूट जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का हमें खास तौर पर ध्यान रखना है, ये सारा धागा अंदर पूरा अंदर नीचे तक फंस गया है, धागा नहीं होना चाहिए। देखो ये जो स्लो मोशन वाला है, ये बटन है, इसके बारे में बता रहा था, इसको दबाओगे तो मशीन स्लो चलेगी, इसको खोलोगे तेज चलेगी, देखो स्लो हो गई ना मशीन, अब देखो तेज चल रही है, तो ये स्लो और तेज के लिए होता है। मेरी मशीन तो बढ़िया चल रही है, पर काफ़ी लोगों की बोलते हैं मशीन चल नहीं रही है, धागा ऊपर नहीं आ रहा है, इस तरह तरह की समस्या बताते हैं, बट मैंने बताया कि धागा बड़े सही से ऊपर आएगा, यदि आप बोबिन सही लगा रहे हो तो 99% में श्योर हूँ आपका धागा ऊपर आएगा, ठीक है। अगर बोबिन आपकी सही आप सेटल कर रहे हो उसके अंदर, बोबिन अगर सही नहीं लगा रहे तो धागा ऊपर नहीं आएगा। चलिए मैंने आपको प्रॉपर पहले धागा डालने का तरीका आपको बता दिया, अगर दो चीज़ आपकी सही हो गई, एक धागा डालने का तरीका अच्छा होना चाहिए आपका और एक बोबिन केस लगाने का तरीका सही होना चाहिए, दोनों चीज़ सही है तो आपकी एकदम मशीन सही चलेगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, दूसरी वीडियो के अंदर।